तो दोस्तों भारत के लिए अब एक काफी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने देश में इथेनॉल से चलने वाली कार को फाइनली लॉन्च कर डाला है। गडकरी जी ने कार की लॉन्चिंग के बाद इसकी पहली टेस्ट ड्राइविंग भी की। आपको बता दें कि जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा, जो कि काफी ज्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इनके पास है आज के समय में, अगर आप देख लो, हाइड्रोजन हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड और अब तो इथेनॉल, सो फ्लेक्स हाइब्रिड फ्यूल कार, जो कि पेट्रोल या इथेनॉल या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से पेट्रोल एंड इथेनॉल, इससे चलाई जा सकती है, ऐसी कार इन्होंने अब लॉन्च कर डाली है। राजधानी दिल्ली में आयोजित इस कार के लॉन्चिंग समारोह में गडकरी जी ने मंगलवार को कहा कि टीवीएस, बजाज और हीरो जैसी हमारी जो कंपनी है, पहले से ही इथेनॉल वाले व्हीकल्स को उन्होंने तैयार करके रख डाला है। हम अब इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, हाइड्रोजन फ्यूल और इसे काफी ज्यादा बढ़ावा दे रहे, ताकि जबरदस्त जो आज के समय में पेट्रोल डीजल के दामों में हमें उछाल देखने मिल रहा है, इसे खत्म कर दिया जाए और भारत में ही बना फ्यूल अब हम हमारी ऐसी फ्यूचरिस्टिक गाड़ियों में यूज करने लग जाए। वैसे आपको बता दें कि इस कार को भारत में टोयोटा ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पे लॉन्च किया है। ऐसी कारें अगर भारत में दौड़ने लग जाए, हमारे नेचर एनवायरमेंट को तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और इस अवसर पर खुद यहाँ पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी भी मौजूद है। आप भी सोचकर देखिए कि आज के समय में जो पेट्रोल की दाम है, उससे लगभग आधे दाम में इथेनॉल आपको मिल रहा है, वही सेम कैलोरीफिक वैल्यू है लगभग, सो यहाँ पर तो जो बिल है हमारे पेट्रोल डीजल के ऑलमोस्ट आधे हो जाएंगे। सो आइए खुद सुनते हैं कि क्या नितिन गडकरी जी ने कहा इस अवसर पर। फॉर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, वी डोंट नीड टू इम्पोर्ट एनर्जी, वी कैन एक्सपोर्ट द एनर्जी। There are many people asking me the question that you are talking about electric, you are talking about methanol, you are talking about ethanol, you are talking about bio-LNG, bio-CNG, you are talking about green hydrogen and what will happen? मैं कहता हूँ ये समुंदर है जिसमें जितना दम है पटक ले तो भी पेट्रोल डीजल आने ही वाला है। We have ample capability, we encourage the people in flex engine, if we can use in place of petrol, ethanol, our requirement will be 4000 crore liter. Already the Toyota has started now. We are going to launch this car.